सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं बज रहे सुबह के 9:30 और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने दूध गर्म कर लिया और मैं आज फ्रूट सब्जी सब कुछ एक साथ लेके बैठी हूँ। सब कुछ कट कर लूँगी जब यहाँ से उठूँगी, कि भाई एक एक बार के लिए किचन में जाना पड़ता है, फिर ये चीज़ भूल जाओ वो चीज़ भूल जाओ। तो आज मैं सारी चीज़ें यहीं लेके बैठी हूँ। दूध भी गर्म कर लिया, मीन्स की मेरी हो ही गई है ऑलमोस्ट। और ये भी आने वाले होंगे आज, इनको गेट के पीछे खड़े होकर डराते हैं। उनको मैं कई बार डराती हूँ, सच में डर जाते हैं। आज देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है। वैसे इनको पता रहता है मैं इधर उधर नहीं दिख रही हूँ ना रूम में, इसका मतलब मैं कहीं छुपी हुई हूँ। तो देखते हैं आज ये डरते हैं कि नहीं डरते हैं। वह तो ये डर जाते हैं, पर आज अगर ब्लॉग में नहीं डरे ना तो इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है इनको डरा के। देखते हैं आए नहीं आए, शायद ये आ गए हैं। तो भाई गेट के पीछे छुप जाते हैं फटाफट से। दोबारा से करना, ठीक है? बस ये क्या था भाई, गले लग जा रहे। ये क्या था? जल्दी आ, जल्दी आ जा। हाँ, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। मेरे को कुछ हो रहा है।
साफ करो, मिट्टी बहुत हो रही है। तो भाई फाइनली सफाई तो हो गई, बस इसको साफ कर दे फिर चलते अंदर। 12 बज चुके ऑलरेडी, लेट हो रहा है वो अलग पूजा करने के लिए, और साथ साथ इसको अभी भी साफ हो गई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि काफ़ी दिन से भैया नहीं आ रहे तो गंदी बहुत ज़्यादा हो रही थी, आज साफ कर दी है। खुद ही सफाई कर लो ज़्यादा अच्छा है, जब कभी ना आए तो इसको फटाफट करो। तो भाई हालत तो ख़राब हो गई पर मज़ा आ गया गाड़ी धो के भी, और एक बार अपना घर साफ कर दे रही है भाई मैडम। इस मैडम की हालत देखो, मैंने सारी भिगो दी नीचे नीचे सारी भिगो रखी है, मज़ा आ गया भाई। तो मज़ा आ गया भाई, तो चलो अब नहा धो के रेडी होते फटाफट। कैसे आज मैं लीची छील रही थी, फिर इसमें एक कीड़ा था लगा हुआ। तो लीची खाने का भाई एक सबसे अच्छा वे बताती हूँ मैं, लीची कैसे खानी चाहिए, नहीं छील के नहीं, छीलोगे तो वैसे भी वही मतलब उसका वो सारा निकाल के, जब उस छीलने के बाद जब उसका वाइट वाइट पार्ट आ जाता है निकल के, तो उसमें से एक चाकू से कट लगाओ, उसको स्क्वायर से ऐसे पूरा सर्कल निकाल लो, और जो बीच में जो एड रहता है ना चीज, उससे हटा के निकालना बाहर का हिस्सा, तो बीच का हिस्सा उसी में रह जाएगा, तो बिल्कुल सेफ है। उसको वॉश कर लो साथ में अगर वॉश करना चाहो तो, पर लीची को ऐसे खाओ। एक कल भी मुझे छोटा सा कीड़ा मिला, आज भी मुझे कीड़ा मिला, हालांकि हर फ्रूट में कीड़ा होता है पर वो डिपेंड करता है। एक तो लीची एक ऐसा फ्रूट है भी जिसके अंदर आपको मिल सकता है, जैसे कि क्या कहते हैं वो फ्रूट है ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे कभी सेब हो जाता है उसमें निकल आता है, तो भाई इसीलिए अगर लीची खानी हो तो पहले छीलो। कईयों में आपको दिख जाता है कीड़ा, कईयों में नहीं दिखता है, तो ये वाइट है, छीलो वाइट में बहुत वॉश करो, फिर एक बीच में साइड से कट लगाओ, साइड से पूरा निकालो, और बीच का जो गुठली का ऊपर का पोर्शन होता है उसे ऐसे स्क्वायर करके, जैसे मतलब गोल घुमा के से निकालते ऐसे करके निकाल के गुठली फेंक दो, साइड से सारा हट जाएगा और बीच का उसी में ऐड रह जाएगा, तो वो फेंकना है। तो भाई लीची खाने का सबसे अच्छा तरीका ये, और जो सीधे बच्चे खाते हो घर में जिसके से हम लोग अभी तक खा रहे थे, ऐसे ना खाएं, क्योंकि मुझे अगर दो बार दिखा है तो उसका मतलब मे भी हमने खा भी लिया हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी हमने खाया नहीं होगा, मे भी खा भी लिया हो। और इन फ्यूचर के लिए ये बताई जा रही है बात, क्योंकि जब हमारे निकल सकते तो लीची कोई हमारे घर में तो पैदा हो नहीं रही, सबके सब खरीद के ही ला रहे हैं, वो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब थोड़ी सी मील खा लेते हैं, मुझे नींद से आ रही है, पता नहीं क्यों, और मेरे को ना वीकनेस सा लग रहा है, सो जा थोड़ी देर, तो मैं थोड़ा खा पी के थोड़ा रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करना ज़्यादा जरूरी है। और आपने बाहर वॉश भी करवा दे, धुलवा भी दे सारा कुछ, मैंने भी धुलवाया, तो मैं भी वो तबीयत से थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही है, पता नहीं क्यों जुकाम सा भी लग रहा है, ऐसे मौसम बदल रहा है, शायद इस वजह से भी थोड़ा जुकाम का भी ध्यान रखें, मौसम सच में बदल रहा है, कभी बारिश कभी कुछ कभी कुछ। अनार आपका छिड़ी है, तो भाई थोड़ा खा के रेस्ट करते फिर आपसे मिलते हैं। क्या कह रहे हो, अच्छी है चाय, चाय अच्छी बनाई है ना, हाँ कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, थैंक गॉड, शुक्र है भाई। दिस टी टी एंड फॉर मी, ये वाले टी फॉर मी, थैंक यू फॉर टी फॉर मी, चुपचाप पी ले और सो जा, फोन नहीं चलाएगी, फोन चलाई जा रही, जल्द बताऊं के आइयो तू, मैंने ये तो लेन ना आए थे हम, बेकार है, नो नॉट गुड, देख लो भाई सेल चल रही है 250 रुपए, 250 से कम नहीं होगा भाई, चल ऐसे चले ऐसे चले, कोई ना छोड़, अरे छोड़ ना भाई, माने नहीं, क्या क्या ले रही है अब तू, वो बता दे एक बार, ये करे जी 100 रुपए सेल चल रही भाई, 714 में, अरे कपड़ा हल्का है, सब सेल वाली ले रहे हैं, और हम पूछे तो ये वाला कलर देखना, हम पूछे तो क्या बताऊं, 11 से लाए और ये आदेश,
हम पूछे तो यूँ कह रहे ज़ारा से लाई है। तुम ज़ारा से लाते हो? जहाँ अच्छा मिल जाए वहाँ से लाते हैं। हम तो देखो भाई ज़ारा पे जाते हैं, ज़ारा से हम नहीं जाते भाई, 200 वाली चीज़ भाई मेरे साइज के ना आते हैं। हाँ आप दोनों चुपके खड़े हो, ले 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 ढूंढ ले, मिल जाए तो तुम्हें भाई और ना इतने है बस। रो क्यों रही भाई, क्या हो गए? कपड़े नहीं दिलाए। कपड़े नहीं दिलाए? सारे दिन कपड़े दिलाता रहा उधर को। ये तू तो परफेक्ट हो, तू दिलाना कैसे क्या चाहिए वो बता। शॉपिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए? देखो भाई जो भी मेरे साथ है वो मुझे एक बार थम्स अप कर रहे हैं, समय कटा रहे भाई, सही बोल रहे हैं, शॉपिंग करवानी चाहिए देखो वो तो कमेंट आएंगे वो जब पता चल जाए भाई, तो एक बार कमेंट करने जरूर होता ना कौन सही है कौन गलत। अभिषेक भैया का होगा सही क्या भाई ने? सही करा ना और क्या भाई, एक कमेंट तो मेरे भी नहीं, अब तू तो एक कमेंट ढूंढ के दिखा। अभी बहुत गंदी चीज सोची उसके बाद। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही आगे नहीं गए मेरे साथ। आगे आगे थी भाई जगह नहीं थी भाई, साइड रूम खाली थे वो देखा तुमने? इंडिया लगे थे अभी कैसे कर दी ये इंसान दे रहा है वोट भाई सही है क्या? हाँ अभी जाएंगे नीचे खाने के बाद, उठ जाएंगे सारे फिर कम सुबह आएंगे कल पे, कल आएंगे कल तो वहाँ भी जाना है ना भाई। कितने बजे जाना है? चलो सुबह जाना है शाम जाना है? शाम को जाना है, के बाद शाम को सुबह आएंगे। सुबह तो मैं कार्डियो करके सो जाऊंगा। अच्छा तो बिना खाए भी सो ही जाना फिर आप? ठीक है अंकित, अंकित के साथ हाँ गिरा ले गिरा ले आ जा। आइसक्रीम खाई जा रही है, घर की आइसक्रीम ना खा रही, मैं तो घर जाकर खाऊंगा, मैंने ये नहीं खानी। मैं घर जाकर खाऊंगा दादी। हाँ चल तेरे तो ना देखो। हाँ आज चल करें तो भैया अपने बर्गर बर्गर खा दिया। अभिषेक कहाँ रह गया? अभिषेक ना आया, कहाँ रह गया वो? कॉफी चल जी बीजी यार हदोगी यार, क्या है तेरे मारो कान पे। अभिषेक लेट हो गया है, अभिषेक लेट भाई मैं ना मैकबुक ऑर्डर कर रहा था, मेरा ऑर्डर लूज हो गया। 11 बजे सही है, कहते जोर से बड़े तो कुछ कर लो, मैंने पावड़ा हूं मैं, बड़े तो करो भाई। खा ले भाई। क्या हुआ भाई क्या हुआ? आज आपकी वजह से अभिषेक गया की वजह से मेरी शॉपिंग नहीं भाई है। मेरी वजह से मांगे मिलता नहीं मिलता कुछ कुछ ना खुला ऑर्डर कुछ दिख रहा है यार, बंद हो गया। टाइम देखना 11:30 तो 11:30 बजे कहां कुछ खुला मिले। यही से निकालता हूँ, नहीं यहाँ से तो नहीं आए थे हम, यही से आए थे। तो भाई फाइनली घर पहुँच चुके हैं और भाई बहुत ही मजा आया भाई अभिषेक के साथ। अभिषेक जाते जाते भी पूछ रहा भाई जाऊँ मैं, मैंने ठीक है भाई जाओ मेरे अब मेरे साथ उल्टा दौड़ना चलेगा। और भाई एक चीज़ जो पूछी थी जो वहाँ बैठ के हमने पूछी थी अभी, मैं सही हूँ या मैडम सही है वो जरूर कमेंट करके जरूर बताना ठीक है। और प्लीज़ कमेंट ज़्यादा ज़्यादा करो भाई, कमेंट पढ़ने भी मज़ा आता है और भाई आपको रिप्लाई भी मिल ही रहे हैं ठीक है। और प्लीज़ ये जरूर बताना हम दोनों के कंबाइन व्लॉग कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे, प्लीज़ ये और कमेंट करना ठीक है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय टेक केयर, सीधा दोस्तों एंड करा देना।